हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉली चौधरीज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और यमी सा नाश्ता, पिज़्ज़ा पराठा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, थोड़ी सी स्वीट कॉर्न, 2 प्याज और 2 हरी मिर्च। इनको सबको मैंने बारीक काट लिया है। चलिए अब हम इन सभी सब्जियों को एक बर्तन में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, गाजर। फ्रेंड्स, आप इसमें चाहें तो और भी सब्जियां मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मेयोनीज, लगभग 2 बड़े चम्मच। साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी लगभग 1 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप। लगभग 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, लगभग 1 चम्मच ऑरिगेनो, सीजनिंग। फ्रेंड्स, मैं इसमें अलग से मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी यूज़ की हुई है, साथ ही हमने इसमें यूज़ किया है ग्रीन चिली सॉस, और मैं एडिशनल नमक भी इसमें नहीं मिला रही हूँ। इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे स्वीट कॉर्न, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सिंपल रोटी की तरह नरम आटा गूंथ लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है। इसकी हम सूखा आटा लगाकर एक गोल रोटी बेल लेंगे। इस रोटी को बेलकर हम साइड में एक प्लेट में रख लेंगे। हम एक और लोई बनाकर एक और रोटी बेलेंगे। अब हम इस रोटी पर हमने जो सब्जियों का मिश्रण बनाया था, इसको अच्छे से फैलाएंगे। मिश्रण को अच्छे से फैलाकर हमने जो दूसरी रोटी बनाकर रखी थी, उसको हम इस पर ढक देंगे। किनारों से अच्छे तरह दबा देंगे। अब हम इसे गर्म तवे पर डालेंगे। और घी या तेल, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसकी सहायता से इसको अच्छे से दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेक लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, जिससे कि ये पराठा अंदर से अच्छे तरह से सिक जाए। हम इसे पलट पलट कर अच्छे तरीके से सेक लेंगे।
हमारा पिज़्ज़ा पराठा बनकर तैयार है। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे, साथ ही पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसके पीसेस करेंगे। इन पराठों को आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पराठे देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं, साथ ही हेल्दी भी हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी वेजीज यूज़ की हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग और भी सब्जियां चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।